संभल में मकान निर्माण के दौरान दबंग पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता पुत्र को गोली मार दी। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल पूरा मामला नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय का है, जहां मोहम्मद शारिक अपने मकान निर्माण कार्य करा रहे थे, जिसको लेकर उनको कुछ मिट्टी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने एक मजदूर को पड़ोस में कुछ मिट्टी लेने के लिए भेज दिया। आरोप है कि मिट्टी लेने गए मजदूर को आरोपी ने वहां से भगा दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मामूली विवाद हो गया। विवाद को बढ़ता देख मोहल्ले वालों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद दबंग पड़ोसी दोनों पिता पुत्र को गोली मार कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। में दीपा सराय मोहल्ला है, वहाँ के एक रिटायर्ड टीचर थे, उनका मकान निर्माण हो रहा था। उनको मिट्टी वगैरह कम पड़ा था, तो उन्हें चौक पे बोरिंग हो रहा था, वहाँ से मिट्टी लेने के लिए मजदूर को भेजा था। ये वहीं पे मोहल्ले का ही एक लड़का था, एहतसाम, उसने मजदूर को गाली गलौज करके भगा दिया। उसके बाद इनके लड़के से उसका विवाद हुआ, वो इनके घर के सामने आके तमंचे से फायर कर दिया इनके ऊपर। इससे दोनों लोगों को जो है छर्रे लगे हैं पीठ में, और इसको जो है इनके लड़के को छर्रा लगा है जो पीठ में और सर में, इनका इलाज यहाँ चल रहा है।